भावलोक फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 8 बहुत से सरप्राइजेस लेकर बैठा है। मैं गारंटी देता हूं अगर आपको मजा नहीं आया तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन ये एपिसोड तुम्हारा सर भी घुमा सकता है क्योंकि इसमें पास कनेक्शन होने वाला है बाबा, जो तुम्हें एक बार के लिए समझ में नहीं आएगा कि ये कहानी प्रेजेंट में चल रही है या पास में चल रही है या फ्यूचर में चल रही है। डोंट वरी, उसके लिए मैं हूं ना। और आज एपिसोड 8 के लिए थ्योरी डिकोड करने वाले हैं जो आपको आगे की कहानी समझने में हेल्प करके जाएगा। और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा था, आप में से काफी लोग डिसअपॉइंट हैं कि कहानी अभी तक बस बिल्डअप ले रही है, खींचने का काम कर रही है जो बहुत बोर कर रहा है। तो बाबा 8th एपिसोड से पूरी कहानी ट्विस्ट होने वाली है, बस एक मौका और दे दो इस शो को, इस एपिसोड को। और जो बूम बूम बैंग बैंग के लिए एक महीने से आप वेट कर रहे हो, 8th एपिसोड के बाद लगातार देखने को मिलने वाला है। तो हैव पेशेंस, अभी बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत करते हैं, लेकिन बाबा जिसे रुकना है वो रुक सकता है क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन वीडियो कुछ कुछ स्पॉइलर भी कंटेन करती है। इसी के साथ साथ सपोर्ट में भी कमी नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो में बात करेंगे जूली, टैबिथा एंड विक्टर के स्टोरी आर्क के बारे में। सेट करते हैं थ्योरी की क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है एपिसोड 8 में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जूली ईथन के साथ डंजन प्लेस के अंदर जाएगी, लेकिन वहां अंदर जाते ही वो अकेली ही हो जाएगी, ईथन उससे खो जाएगा। और सूत्रों से पता चला है कि इसी पॉइंट से फ्रॉम विले टाउन की कहानी में पास्ट का कनेक्शन का मोड़ आएगा, यानी पास्ट कनेक्शन सेट हो जाएगा। तो इस डंजन प्लेस में जूली 3 टाइम जोन में ट्रेवल करेगी ऐसा बोला जा रहा है, और तीनों ही पास्ट के होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी ये सच हो जाएगा तो बाबा मजा जरूर आएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सबको बस एक थ्योरी एंड र्यूमर समझ के ही चलना, क्योंकि जरूरी नहीं जो मैं बोलूंगा वो एज इट इज आपको मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी जरूर मिल सकती है। तो बाबा उस डंजन प्लेस में जूली कहा जा रहा है कि खुद को, रैंडल को और मिरिल को चेन में बंधी देखने वाली है। जी हाँ, वही सीजन 2 का एंडिंग कनेक्शन जहाँ बॉयड ने इन तीनों को इस इविल स्पेल से आज़ाद किया था और इन तीनों को चेन में बंधा पाया था, एंड वो डांसिंग एंड सिंगिंग डॉल तोड़ते ही ये तीनों आज़ाद हो गए थे। लेकिन बाबा ये सब पॉसिबल कैसे होगा ये तो 8th एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये आखिर हुआ कैसे। लेकिन हाँ, इस इंसिडेंट के बाद जूली के सर में भयंकर पेन भी होगा, जो इस पिक में हमें दिख भी रहा है, और उसे यकीन नहीं होगा कि उसने आखिर ये देख क्या लिया अचानक वो भी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, जूली का इस पिक में एक केव के अंदर जाना भी दिख रहा है। तो बाबा अगर जूली केव में जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली उसे आंकुई चिल्ड्रन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बात केव की ही चल रही है तो केव का मंजर जेड एंड टैबिथा भी फील कर चुके हैं और उन दोनों को आंकुई चिल्ड्रन देखने को मिले हैं। तो बाबा इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, तो मोस्ट प्रोबेबली जूली को भी शायद आंकुई चिल्ड्रन उस केव में देखने को मिल सकते हैं। बाकी थर्ड टाइम जोन में वो कहाँ जा सकती है, बाबा लोग मेरे दिमाग में एक थ्योरी घूम रही है जबरदस्त। अगर आपको याद होगा सीजन 2 में जब बॉय टैबिथा की तरह उस बॉटल ट्री के अंदर जाता है तो एक चिमनी में जाकर फंस जाता है, लेकिन बॉयड को एक रस्सी या फिर जड़ खींचकर बाहर दी गई थी उसे, जिसे पकड़कर वो बाहर आया था। इट लुक लाइक स्टूपिड, तो मुझे चूतिया भी समझ रहे होंगे, लेकिन ये गुत्थी अभी भी सॉल्व नहीं हुई है कि बॉयड की आखिर हेल्प कौन करता है वहां पर। मे बी हेल्पिंग कॉल सुन के जूली वो रस्सी फेंकेगी, क्योंकि सूत्रों से ये भी पता चला है उस डंजन प्लेस में जूली को बहुत सी हेल्पिंग कॉल सुनाई देंगी। तो मे बी शायद ऐसा हो और ये एंगल भी हमें देखने को मिल जाए। बाकी बाबा इट्स ऑल थ्योरी एंड प्रिडिक्शन, अगर ऐसा मिलता है तो भाई मजा तो आएगा ही आएगा। नाउ टॉक अबाउट टैबिथा एंड विक्टर स्टोरी आर्क, क्योंकि सूत्रों से पता ये चला है बाबा इनके बीच एक रिलेशन होने वाला है, रिलेशन का कनेक्शन सेट हो रहा है, बट वो भी पास्ट से। खैर बहुत से लोगों का कहना था कि ये दोनों भाई बहन है क्या, लेकिन नहीं, ये दोनों भाई बहन नहीं है, ये रिलेशन इनके बीच नहीं है। क्योंकि ये चीज़ तब कंफर्म होती है जब टैबिथा कैमडन जाती है, तब अपनी माँ से बात करती है, लेकिन विक्टर की बहन और माँ दोनों उस टाउन मैसेकर वाली रात में मर गए थे, तो ये सेंस नहीं बनाता कि टैबिथा विक्टर की बहन होगी, वो सच में आउटसाइडर है। लेकिन हाँ, एक दो भाइयों की कमेंट आए थे कि टैबिथा एंड विक्टर के बीच में एक माँ बेटे का रिलेशन हो सकता है, और ये बात कितनी सच है भाई मेरे पास इसकी कोई सियोरिटी नहीं है। बाकी हाँ, अगर इस पर बात करें, थ्योरी एक्सप्लेन करें, डिकोड करें, तो पास्ट कनेक्शन की अगर बात चल रही है एपिसोड 8 में, तो यस एक बार के लिए सेंस बनाता है कि मे बी टैबिथा पिछले जन्म में मिरांडा होगी और दोबारा इस टाउन पर पुनर्जन्म लेकर आने का पर्पस इसका यही होगा, विक्टर और बाकी के टाउन के लोगों को आजाद करने का, और सबसे बड़ी बात इस टाउन के स्पेल को खत्म करने का, जिसमें बस टैबिथा को एक याद दिलाना होगा कि मिरांडा बनकर तुमने बहुत सी की डिटेल्स इस टाउन के बारे में मालूम करी थी, तो अब तुम्हारा समय आ गया है, अब अपना रौद्र रूप दिखाओ। दैट
दैट्स वाई कि टैबिथा का एंगल मेकर्स ने ऐसे दिखाया कि यू आर चूजन जस्ट लाइक मिरांडा। और आपको याद होगा जब कैमडन में टैबिथा विक्टर के घर में थी तो वो सारी पेंटिंग्स देखकर फैमिलियरिटी महसूस कर रही थी। देन वो हेनरी की कार में टैबिथा का बनाया हुआ ब्रेसलेट मिलना, जो हेनरी उससे कहता है कि ये मेरी बीवी ने बनाया था, और सेम ब्रेसलेट टैबिथा ने फ्रॉम विले टाउन में अपने हस्बैंड जिम के लिए बनाया था। तो बाबा ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ्रॉम विले टाउन वाला ब्रेसलेट अपने आप बाहर कैमडन वाले टाउन में आ जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखते हैं बाबा ये बात कितनी सच होती है, एपिसोड 8 में ही पता चलेगा वो तो। बाकी हमने विक्टर और टैबिथा के बारे में पिछली वीडियो में भी बात कर रखी है, तो और कुछ भी आपको जानना है इनके बारे में वहां पर भी बहुत सी थ्योरी रिवील आउट कर रखी है, तो बाबा वो वीडियो भी देख सकते हो आप। तो देखते हैं भाई माँ बेटे का रिलेशन कितना सच होता है या नहीं होता है, वो एपिसोड 8 में ही पता चलेगा। अब लगाते हैं यहाँ पर विराम। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जेडन क्रिस्टोफर का क्या कनेक्शन है, और आंकुई चिल्ड्रन खासकर जेडन टैबिथा को ही क्यों दिखते हैं, इस कनेक्शन एंड थ्योरी को भी ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे अगली वाली वीडियो में। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी तरफ से क्या एक्साइटमेंट है एपिसोड 8 के लिए, क्या आपके मन में बातें घूम रही हैं, क्या थ्योरी आपकी तरफ से सेट हो रही है, जो भी है बाबा नीचे कॉमेंट बॉक्स से जरूर बता के जाना कि आपकी तरफ से क्या कनेक्शन सेट हो रहा है स्टोरी का एपिसोड 8 के लिए। जय हिंद।